प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का और सभी अपने पार्टी का नेतृत्व प्रदेश से लेकर पन्ना पोखर का सभी हमारे मोर्चों के जिला के अध्यक्ष मुगलों के अध्यक्ष सभी हमारे त्रिदेव पन्ना पोखर और जितना भी पार्टी का नेतृत्व है मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और कड़ी मेहनत के बदौलत आज इस जीत को भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, माननीय जयराम ठाकुर जी, इनका आशीर्वाद का परिणाम है कि इस प्रचंड जीत को भारतीय जनता पार्टी ने तब हासिल किया जब यहाँ शिमला में मुख्यमंत्री, पांच पांच मंत्री, तीन तीन सीपीए, दर्जनों चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से कड़ी मेहनत की, बिना रुके, बिना थके, दिन रात इन्होंने मेहनत की, उसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता। देखो देखो कौन देखो देखो कौन आया एक सेकंड हेलो
भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में तीसरी बार चार की चार सीटें 2014 में, 2019 में और 2024 में मिली हैं। हम हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और हमारी चार पार्लियामेंट की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीती हैं। हम जनता का धन्यवाद करते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की वर्तमान सरकार वो इस चुनाव के बाद हाशिए पर चली गई है। जिस तरह का जनमत आया है वो हिमाचल प्रदेश की जनता ने श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ जनमत दिया है। विचार का सवाल यह है कि छह मंत्री शिमला संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे पूरे प्रशासन धन बल के साथ, दादागिरी के साथ, उसके बाद भी भाई सुरेश कश्यप जी बीजेपी के और टिकट के ऊपर जीते हैं। श्री अनुराग ठाकुर जी मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पूरी ताकत लगाई इन्होंने दादागिरी की, उसके बाद भी, और ये दोनों लोग चुनाव हारे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से कंगना रनौत के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करते हुए चुनाव शुरू किया था कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में मंडी की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाई है। कांगड़ा की जनता ने एक तरफ जीत दर्ज की है, ये राष्ट्रीय स्तर से कांग्रेस के बड़े नेता को उतार करके लाए और बहुत जोर से बोला कि हम बड़ा शेर लेकर के आए हैं, देखे कौन मारता है। हमारे एक साधारण से कार्यकर्ता डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने 2 लाख से ज्यादा मतों के साथ उनको हराने का काम किया। यानी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन सबके खिलाफ जनमत दिया है। इनका सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी को अपने स्थान से त्याग पत्र देना चाहिए और जनता में जाकर के जनमत हासिल करना। देख रहे हैं आप, बीजेपी की कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर